जब मैं बीजेपी यूथ विंग में काम करता था तब से लगातार जो काम करते रहे और आज मुझे खुशी है कि आज संसद में हम लोगों के साथ बैठेंगे ऐसे समीक भट्टाचार्य जी और आपके यहां के कैंडिडेट प्रिय राजू मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अरुण मंडल, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री रविंद्र घोष, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री संजय सिंह, डॉक्टर शंकर घोष, एमएलए सिलीगुड़ी, स्टेट सेक्रेटरी श्री निखिल रंजन डे एमएलए एंड क्लस्टर इंचार्ज, श्री आनंदमय बर्मन एमएलए एंड श्री दुर्गा मुर्मू एमएलए, श्रीमती शिखा चटर्जी एमएलए, बहुत एमएलए हैं, बहुत अच्छा। और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन स्वागत अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर सिलीगुड़ी के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपके कैंडिडेट राजू मिश्रा के बारे में मैं कहना चाहूंगा। राजू मिश्रा को पिछले कई वर्षों से मैं अच्छी तरह जानता हूं, बहुत नजदीक से राजू मिश्रा को मैंने देखा है, परखा है और राजू मिश्रा को भारत की संसद में बोलते हुए भी मैंने सुना है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका सांसद जब भारत की संसद में बोलने के लिए खड़ा होता है तो बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बातों को संसद में रखता है। भाषण की एक शैली होती है, आर्टिकुलेशन, और आपके सांसद के अंदर वह आर्टिकुलेशन की एक कला है। काम करने के मामले में तो सारे मंत्रियों को आपका सांसद बहुत परेशान करता है। और मैं बताना चाहूंगा कि आपके सांसद को सारे जितने भी मिनिस्टर हैं बहुत ही प्यार करते हैं। आज आपके उसी सांसद के लिए फिर से मैं वोट मांगने आया हूं। पिछली बार आप लोगों ने 4 लाख वोटों से उन्हें विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजा था। इस बार यह रिकॉर्ड टूटना चाहिए और 5 लाख से अधिक वोटों से आप अपने सांसद को मिला करें। बहनों भाइयों, यहां तक कि पश्चिमी बंगाल का प्रश्न है, यह धरती विचारकों की धरती है, दार्शनिकों की धरती है, शिक्षाविदों की धरती है, कवियों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल आज क्या सोचता है भारत कल सोचे, यह बंगाल के बारे में धारणा है। लेकिन दुखद स्थिति है कि टीएमसी भी यहां के जनसांख्यिकी को, डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रही है। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। यहां चाहे गोरखा हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे आदिवासी हो, बंगाली हो, हिंदी भाषी हो, राभा हो, टोटो हो, मेचो हो, सभी इस वेस्ट बंगाल की ममता सरकार से पीड़ित हैं, दुखी। सरकार का काम यह होता है जन कल्याण करना, उस राज्य की रहने वाली जनता सरकार के कामकाज से सुखी हो, आनंदित हो। लेकिन टीएमसी के लोगों के कारण मैं देखता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता में एक दहशत की स्थिति बनी रहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
और मैं यहां के बारे में कह सकता हूं सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लोग, इतने सारे कौमों को लोग रहते हैं, भाषाएं भी यहां मुझे लोग बता रहे थे 100 से अधिक डायलेक्ट बोलियां हैं जिसको लोग यहां बोलते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ आप रहते हैं। आपका यह व्यवहार मैं समझता हूं अपने में एक मिसाल है, अपने में उदाहरण है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, वेस्ट बंगाल की कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है वो पद से बदतर हो चुकी है, और यह सच्चाई है कि हम किसी राज्य का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उसकी पहली कंडीशन ही यह होती है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चुस्त दुरुस्त हो। लेकिन बंगाल में ऐसे हालात नहीं है। संदेश खाली की घटना मैं कहना चाहता हूं सभी को शर्मसार किया, जैसे लगता है यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जिस हुकूमत में माताओं बहनों की इज्जत और अजमत न सुरक्षित, ऐसी हुकूमत को लानत है, और ऐसी हुकूमत को सत्ता में बने रहने का मेरे बहनों भाइयों कोई औचित्य नहीं है। और मैं आज आपसे अपील करने आया हूं, इस बार लोकसभा के चुनाव में टीएमसी का, कांग्रेस का सफाया होना चाहिए, सीपीआईएम का सफाया होना चाहिए, और अगली बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मैं दावे के साथ कहता हूं टीएमसी जा रही है और वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ रही है। ममता दीदी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके नाम में ही ममता है। ममता तो किसी भी मां का यह स्वभाव होता है, किसी भी मां की यह स्वाभाविक प्रकृति होती है। फिर ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता का दुख दर्द आपको क्यों नहीं समझ में आता? कहां चली गई है आपके भीतर की ममता? मुझे लगता है कि अब आप केवल नाम की ही ममता रह गई है, स्वभाव और व्यवहार में आपका आपकी ममता नष्ट हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं इस पश्चिमी बंगाल में प्रारंभ की, जैसे देश के अन्य भागों में, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आप लागू नहीं करती हैं। शायद इसका श्रेय मोदी जी को न चला जाए और लोग मोदी जी के पक्ष में वोट न करने लगे, यही भय आपको सताता है। इससे पश्चिमी बंगाल का भला नहीं हो सकता मेरे बहन भाई। कई योजनाएं, मुझे तो खबर यह मिली कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी कोशिश यह बराबर होती रही कि पश्चिमी बंगाल की जनता को यह संदेश जाए, यह मोदी जी नहीं दे रहे हैं मुफ्त में राशन, बल्कि ममता दी दे रही है। ममता भी अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करे, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करे, वही अच्छा श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होता है, वही पॉलिटिशियन होता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को भी आपने बंगला आवास योजना नाम देकर चलाने की कोशिश की है, आप किसको धोखा दे रही है? आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री ने की, उसको भी आपने लागू नहीं किया। किसानों के लिए 3 वर्ष तक आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दी, 6,000 रुपया हमारे किसानों को मिल रहा था। प्रधानमंत्री जी का पश्चिम बंगाल के प्रति जो लगाव है, आप कल्पना करिए 30 दिसंबर 1922 को प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया, गुजरात में उनके अंतिम दर्शन करने के बाद, उनकी अंत्येष्टि के बाद सीधे वह पश्चिमी बंगाल आती हैं, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं और लगभग 7,800 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं। आप उस प्रधानमंत्री के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। मैंने भाइयों, आज मैं कहने आया हूं
इस हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी पार्टी सबसे क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जो हम कहते हैं वह करते हैं, हमारे कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा, हमारे वर्ड्स और डीड्स इनमें कभी कोई अंतर नहीं रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ममता बनर्जी का कोई घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस का भी इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। ये लोग जो कहते हैं गवर्नमेंट बन जाने के बाद करते नहीं है। हम लोगों ने वर्षों पहले कहा था हम आएंगे, आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू काश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है उसको चुटकी बजाकर हम समाप्त करेंगे। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में हमको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई और हमने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू काश्मीर का भी वही स्टेटस है आज जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। हमने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। जहां नारे लगाते थे आंदोलन करते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, ये कांग्रेस के लोग टीएमसी के लोग हम लोगों से पूछते थे कब मंदिर बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मेरे भाइयों आपने देख लिया अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मुझे तो यह लगता है राम लला अपने हट से निकलकर अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने पैलेस में अपने महल में पहुंच चुके हैं। भारत में राम राज्य के आगाज को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तीन तलाक के सिस्टम को समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों कोई कह सकता है दूसरे धर्म के मामलों में आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो हर की मां बहन बेटी, बहनों भाइयों हम लोगों की मां बहन बेटी भी है, उसकी इज्जत की रक्षा करना उसके सम्मान की रक्षा करना यह हम सब की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम कैसे किसी भी किसी को इजाजत दे सकते हैं क्या आप किसी से शादी कर लीजिए और उस बहन को 10 दिन के बाद आप तलाक 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 तीन बार बोलकर उसको छुट्टी कर दीजिए। दूसरी राजनीतिक पार्टी वोट के लालच में इसे बर्दाश्त कर ले लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मेरे बहनों भाई तीन तलाक को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा कि नागरिकता कानून हम पास करेंगे, कर दिया नागरिकता कानून। यहां पर ममता जी लोगों के आंखों में धूल झोंक रही है, गुमराह कर रही है क्या आपकी सारे मुस्लिम्स की नागरिकता समाप्त कर दी है। बहनों भाइयों यह नागरिकता का कानून षड्यंत्र अमेंडमेंट है, यह किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो यदि किसी का वहां धार्मिक उत्पीड़न हुआ है धार्मिक उत्पीड़न और उसके कारण वह भारत आता है चाहे जो कुछ भी होगा डंके की चोट पर हम उसे नागरिकता भारत की मुहैया कराएंगे। यह हमारा समर्थन कर यह बात तो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कही थी उसे किया है हमने। बीपीएल परिवारों के लिए हम लोगों ने गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, बहुत दिनों तक इन्होंने गैस सिलेंडर देने नहीं दिया, अजीबोगरीब स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। अभी कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, क्या किया आपने, उस पर हमले हुए, जिन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आपने नहीं की। और संदेश खाली की घटना तो बहनों भाइयों मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक घटना थी और उसको टीएमसी के लोग अपराधी को शेल्टर दे रहे थे,
ईडीसीबीआई जब भी आती है कोई जांच करने, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ममता जी आपके हुकूमत पे हो क्या रहा है? दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसे बर्दाश्त कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहन भाइयों से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। आपने देखा मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का स्टेशन, भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ा है। पहले हम लोग भारत के बाहर किसी इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे तो लोग कहते थे भारत कमजोर देश है, क्या सुनना इसको, बहुत सारे लोग उठ के चले जाते। आज यदि हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लोग बोलते हैं, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बड़ा है। इकॉनमी का जहां तक सवाल है, अर्थव्यवस्था का, धन दौलत के मामले में, इकॉनमी के मामले में 2014 में जहां पर हमारा यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर दुनिया में आकर खड़ा हो गया है। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं दुनिया में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कहीं की है तो भारत की है। क्या भारतवासियों को इससे गौरव की अनुभूति नहीं होती है? और उनका दावा है भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, इकॉनमी की साइज के मामले में यह भारत 2027 यानी 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में भारत खड़ा हो जाए। देश का कद बढ़ता है तो उसके प्रधानमंत्री और मंत्रियों का भी कद बढ़ता है। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से संघर्ष चल रहा है, बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें, गोले, तोप, बम सब कुछ चल रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से भी चल रहे, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। और जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय हमारे भारत के बहुत सारे हजारों बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके गार्जियन, उनके माता पिता जो भारत में रहते, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी क्या होगा हमारे बच्चों का। उनका एक डेलीगेशन हमारे प्रधानमंत्री से मिला और प्रधानमंत्री जी से कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को आप वहां से निकालिए, कोई वहां का भारत का रहने वाला बच्चा, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही जेलेंस्की के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे, भारतीय बच्चे भारत आ गए। भारत की ताकत का आपको एहसास नहीं? आप लोगों में पता नहीं कुछ किसान बैठे हैं कि नहीं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, यूरिया जो खाद आप डालते हैं अपने खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए, दुनिया के दूसरे देशों में 3,000 रुपया प्रति बैगेज प्रति बोरी मिलती है और भारत में वह केवल 300 रुपया में मिलती है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले हम हर चीज दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे, आयात करते थे, छोटी छोटी चीजें, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी 2014 में जो भारत केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था, आज हमारा भारत 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुका है। और बहनों भाइयों समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा और आपके लिए गौरवान्वित करने वाली है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा करने वाली बात है, जब ब्रह्मोस मिसाइल भी
भारत में बन रही है, भारत की धरती पर बन रही है, भारतवासियों के हाथों से बन रही है। और अभी अभी फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल उनको सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है वहां। यह है भारत की ताकत। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया। आपने इसके पहले कांग्रेस की भी हुकूमत देखी है, आतंकवादी वारदातें किसी न किसी स्टेट में बराबर हो जाया करती थी। 2008 की आतंकवादी वारदात जो मुंबई में हुई थी उसकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वहां के गृहमंत्री ने कहा, अरे ऐसी जो आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं, सैकड़ों लोग मारे गए थे, भारतीय मारे गए। आज आतंकवादी वारदातें भारत में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। और एकाध छिटपुट कहीं काश्मीर वगैरह में कोई घटना भी हो भी गई बहनों भाइयों, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत को जो चाहे वह आंख दिखाकर चला जाए, अब यह भारत में होने वाला नहीं है बहनों भाइयों, अब यह नहीं होने वाला। यदि कोई आंख दिखाएगा तो हम केवल आंख नहीं दिखाएंगे, अकले मन निशाला काफी। समझ गया कि नहीं? क्या करना चाहिए मैंने भाइयों? इस समय भारत के पास अब ताकत है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। और हमारा स्वभाव है कि हम लोग किसी को छेड़ते हैं, लेकिन हमको कोई यदि छेड़ेगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करने आया हूं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं आया हूं, इसीलिए आप लोगों से कहने आया हूं। बहन भाइयों, आपका बहुत ही डायनेमिक सांसद है, इसको जिताइए, फिर से पार्लियामेंट में आप भेजिए, पक्का है? तो मैं चलूं? चलें? चलें कि न चलें? या खाना वाना भी खिलाएंगे? नहीं, बोलना होगा उसके बाद। मैंने हाँ चिंता मत करो। मैंने भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आपको आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत में भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत में भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चिंता मत करो। तो मैं आज बस इतना ही कहने आया हूं कि आप राजू निष्ठा को भारी मतों से जिताकर भेजिए, पक्का है कि नहीं? पक्का है? जरा हाथ उठाकर ताली बजा लीजिए तो मैं मालूम पक्का है। और एक बात मेरी और सुन लीजिए, अंतिम बात हमारी यह है, यदि राजू निष्ठा को आपने 5 लाख से अधिक वोटों से जिता दिया तो मैं फिर से इसी सिलीगुड़ी की धरती पर आऊंगा मेरे बहनों भाई, फिर से। और यदि मैं दोबारा राजू निष्ठा के 5 लाख से अधिक मतों से जीतने के बाद यदि मैं आऊंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, एक बार शीश झुकाकर सिलीगुड़ी की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।